आप सबको ये बताना चाहती हूँ, मतलब एक फॉर्मल पब्लिक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि आई एम स्टिल अलाइव एंड आई हैवन्ट पोस्टेड एनी लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो सिंस आई गेस कंप्लीट लास्ट ईयर एंड बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग लास्ट ईयर, मैं उन्हीं चीज़ों में थोड़ी बिजी थी इसलिए. एंड आफ्टर अ वेरी 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 2000 ईयर्स लेटर, वेरी 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 लॉन्ग टाइम I am trying to come back on the track, and literally the last video that I posted was on making some kind of DIY for Ramadan, and after that I just went ghost, totally ghost. And leave it all, by the way मेरे introduction तो दिया ही नहीं. तो hey everyone, assalamualaikum and welcome or welcome back to my channel. मैं हूँ सिमरन and आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है. You know why? बिकॉज आज आफ्टर 1.5 ईयर्स मेरे ब्रेसेस निकलने वाले हैं. लिटरली आफ्टर 1.5 ईयर, इट्स अ वेरी 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 लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड थोड़ी नर्वस भी हूँ. बट याद है जब मैंने ये ब्रेसेस पहली बार लगाए थे, उन इनिशियल टाइम से मैंने वीडियोज़ भी बनाए हैं. अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे तो यू कैन गो एंड चेक देम आउट on my channel, or I will give the link in the description box, you can go and check them out from there. And on initial times पर मैं सोच रही थी कि ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या इतना, मतलब लोग इतना इशू बनाते हैं कि ओ माई गॉड ड्रेसेस हो दिस एंड दैट. एंड फिर स्टार्ट हुए मेरे मंथली अपॉइंटमेंट्स टू टाइटन द ब्रेसेस एंड देन आई रियलाइज्ड कि इट इज़ रियली डिफिकल्ट टास्क, रियली. तो अब ज़्यादा बकबक ना करते हुए हम चलते हैं डेंटल क्लिनिक, और हम दोनों तो तैयार हो चुकी हैं लेकिन अभी तक पापा नहीं है, तो चलो हम आगे तक जाते हैं, तब तक आई गेस पापा आ जाएंगे. तो जाते वक्त रास्ते से अचानक से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई एंड उस वजह से मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई. एंड वहाँ हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है, तो हमने मोबाइल्स बाहर रख लिए थे, इसलिए मेरे पास कोई क्लिप नहीं है ब्रेसेस निकालते वक्त की. बट ये भी एट लास्ट मेरे ब्रेसेस निकल गए हैं. जाते वक्त हमें लग गई बहुत ज़्यादा भूख, इसलिए मैं और मम्मा उड़पी में गए थे डोसा और उत्तपा खाने के लिए. और फिर खाना ख़त्म करके हम चल पड़े घर की ओर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना. और हाँ, बेल आइकॉन दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.